शांति। आज 16 मई 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य है और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 1987 को सुनाए थे, जिसमें त्रिमूर्ति बाबा तीन संगम को देख रहे हैं। पहला संगम है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा संगम है ये युग संगम और तीसरा संगम है पुराने वर्ष और नए वर्ष का संगम। और ये तीनों संगम की अपनी अपनी विशेषता है, तीनों ही परिवर्तन की प्रेरणा देता है। ये युग संगम विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है, बाप और बच्चों के संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति कराने की प्रेरणा देता है और पुराने वर्ष से नए वर्ष का जो संगम है ये नवीनता धारण करने की प्रेरणा देता है। तो बाबा कहे इस वर्ष में क्या नवीनता धारण करेंगे, तो बाबा ने संकल्प दिया कि हर बच्चे यही नवीनता धारण करे कि बाप समान बनना है और एक दूसरे से जब मिलो तो खाली मुबारक के न दो परंतु बाप समान खुशी की मुबारक दो, दिल की दुआओं की मुबारक दो। ऐसे बाबा कहे दिल खुश मिठाई हर एक को खिलाओ। जिस तरह से बाबा को याद करते हैं तो हर एक के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है, ऐसे बाबा कहे आप ऐसे बाप समान बन जाओ जो कोई भी आपको याद करे तो आपको याद करने की खुशी की अनुभूति उन्हें होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाप समान क्यों बनना है, क्योंकि बाबा का वायदा है साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ नीचे उतरेंगे नए दुनिया में। तो बाबा कहे जब बाप समान बनेंगे तभी तो साथ चल सकेंगे और तभी तो ब्रह्मा बाबा के साथ नई दुनिया में भी अपने नई राजधानी में नीचे उतरेंगे। तो इसलिए समान बनना है। तो बाबा कहे इस वर्ष को मुबारक का वर्ष कहे, बाप समान बनने का वर्ष कहे, बाप के साथ चलने का और नई राजधानी में ब्रह्मा बाप के साथ उतरने का वरदान प्राप्त करने का वर्ष कहेंगे। तो इस तरह से बाबा कहे इस वर्ष के अंदर ये नवीनता ले आनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप तीन संगम देख रहे हैं, एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है, हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। क्या परिवर्तन की प्रेरणा देता है? संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है, बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है, वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी
व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं, अर्थात जो साकार में है और जो बुद्धि के विमान से पहुंचे हैं उन सबको देख रहे हैं। और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। कैसे बाबा मुबारक देते हैं? सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। कौन सी नवीनता? जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना या खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते तो वह खुशी की बधाई होती है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा हरेक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। कितनी गहरी बात बाबा ने कही कि जैसे के साथ वैसे नहीं, लेकिन आपके हर संकल्प में सर्व का कल्याण, श्रेष्ठ परिवर्तन, जो वशीभूत है उन्हें भी स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं, खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। क्यों? क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना। सारा वर्ष कैसे कहेंगे? तो बाबा कहे सिर्फ दो दिन नहीं कहना,
किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। ऐसी सारा साल मुबारक देना है तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाई जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन यह दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, साथी जरूर बनो लेकिन एक दो को उन्नति प्राप्त कराते रहो। जीवन साथी नहीं बनना लेकिन कार्य के साथी भल बनो। कितनी सुंदर बात कही, कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। बाबा के समान आप निमित आत्माओं को भी अनुभव करें। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है। क्यों? क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष वह साल था 88 में जाने का, तो बाबा कहे इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी का ही यादगार है। अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। तो चाहे पूज्य स्वरूप या पुजारी स्वरूप, दोनों में 8 का विशेष महत्व है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का, दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ।
जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, तो सैंपल है हम सबके लिए। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है, पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा सब बातों के अनुभवी है, तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, कदम कदम से मिलाते जाओ। क्यों? क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परमधाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ बजाना पड़ता है ना, इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है, शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है, नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है, नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना, पूछते हैं बाबा कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी, विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। पहला नंबर का विश्व महाराजा महारानी के रॉयल संबंध में जब जाएंगे तो उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है, एक जन्म का फर्क पड़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है, समान बनना है वा बाराती बनना है? बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। अब बाबा दृश्य बताते हैं, बहुत सुंदर। बाप के बच्चे क्या है और अज्ञानी क्या है? आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई है? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज है वह जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देती है। चिमनी सदैव काली दिखाई देगी,
तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकालता रहता है। और ज्ञानी बच्चों के दूसरी ओर ज्ञानी बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तापन से दुआएं निकलती है। तो एक तरफ अज्ञानी बच्चे को देखा बाबा ने, जो धुआं निकाल रहे हैं ईर्ष्या का, द्वेष का, और दूसरी ओर ज्ञानी बच्चों को देखा तो हर बोल व संकल्प से फरिश्तापन से दुआएं निकलती है। इतना ऊंचा भाव बाबा का है। उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती है। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकालना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आदि आग का धुआं है। व्यर्थ संकल्प ये आदि आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप को जो सदा दुआएं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी यह पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। कैसे कृपा करनी है सो बाबा सिखाते हैं। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को न सोचना न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रख, किसी की भी अवगुण को मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, ये वृक्ष बन जाता है। जब फैलाते हैं तो जैसे वो व्यर्थ का वृक्ष बन जाता है, क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ। यह धुआं फैला ना, यह दुआ हुई या धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहां ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुके, पूछते हैं बाप। रुकने चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। ऐसे ही नहीं रुको,
लेकिन समान बन के रुको, फिर भले रुको छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है व ड्रामा रुकाता है वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बन, कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक। सदा साथ रहे सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआ देने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है, तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है, तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर, तो ऐसे हो। आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। जो बाप के दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ डॉट बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी, नॉट माना निकल जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता, मुश्किल मिटती नहीं। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना, बिंदी बनना बिंदी लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। तो यह भी बच्चों का खेल है, यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है इसलिए काम भी सहज है और को भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राज योग, तो ऐसा सहज अनुभव करना इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना, ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो
के नाम मालूम हम फेल हो जाए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है, इसलिए संशय बुद्धि होने से ही हार होती है, इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजयी अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजय रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। आज का बाबा का स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.